अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत में रखे। तो आज का हमारा टॉपिक है जी, लव बर्ड में बच्चों और बड़ों में फ़र्क है, मतलब अडल्ट और बड़े ब्रीडर में क्या फ़र्क होता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, ये मेरे हाथ में एक लव बर्ड का पीस है फिशर का। तो इसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि ये बड़े और बड़े बट्ठे में क्या फ़र्क है। ये मेरे हाथ में अडल्ट पीस है। इसकी सबसे पहली निशानी है इसकी आइस का रिंग, देखें ये कितना बड़ा है और फूला हुआ है। ठीक है, जो बड़ा पीस होगा उसके जो आइस का रिंग होगा वो छोटा हो गया होगा और फुलाव में ज़्यादा नहीं होगा। ये सबसे बड़ी और मेन निशानी है पहली। उसके बाद दूसरी निशानी है इसकी नाक, देख रहे हैं आप चूंच के ऊपर जी, ये देखें नाक इसकी, ये वाली, ये दूसरी बड़ी निशानी है। जैसे जैसे ये पीस बड़ा होता जाएगा इसकी नाक की ये वाइटनेस देख रहे हैं, ये चौड़ाई में ज़्यादा है, ये आस्ता आस्ता कम होती जाएगी। ये अडल्ट पीस है, अभी ब्रीड के काबिल नहीं हुआ, लेकिन आपको मैं बड़ा पीस भी बता रहा हूँ साथ साथ और बच्चे का भी बता रहा हूँ। ठीक है, ये अभी बच्चा है, इसकी नाक का देख रहे हैं वाइट वाइट कितना चौड़ा है, आस्ता आस्ता ये कम होता जाएगा और ब्रीक लाइन रह जाएगी। ये दूसरी बड़ी निशानी है जी पट्ठे और बड़े में। तीसरी निशानी है जी इसकी चूँच, देख रहे हैं आप इस पर ब्लैक ब्लैक डॉट होंगे हल्के फुलके। जो बड़ा पीस होता है उसमें जो है चूँच लाल सुर्ख हो जाती है, उसमें कोई भी किसी किस्म का डॉट वगैरह नहीं रहता, तो टोटली क्लियर हो जाती है, उसमें आपको कोई निशान नहीं नज़र आएगा, किसी किस्म का कोई चीज़ नहीं होगी। तो ये निशानी है जी तीसरी। चौथी आपको वही निशानी बताते हैं, इसके पाँव, ये इसके आप पाँव देख रहे हैं, इसके पाँव पे देख रहे हैं हल्के हल्के ब्लैक डॉट हैं। जो बड़ा पीस होगा, बड़ा मेल हो या फीमेल हो या कोई भी लव बर्ड है किसी किस्म का भी, ये सब में तकरीबन कॉमन निशानियाँ पाई जाती हैं। उसके पाँव जो है बच्चे के ब्लैक होंगे, उसमें ब्लैक डॉट होंगे, काले पाँव होंगे। जो बड़ा पीस होगा वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये आप पीस देख रहे हैं, तो मैं आपको अडल्ट पीस दिखा रहा हूँ, इसमें मैं आपको बड़ा ब्रीडर नहीं दिखा रहा, ये अडल्ट दिखा रहा हूँ। बड़े और छोटे में वैसे आपको थोड़ी सी निशानियाँ समझा रहा हूँ। अच्छा जी, पांचवी जो चीज़ है ना, इसमें पांचवी चीज़ आ जाती है इसकी छाती, देख रही है इसकी चेस्ट, ये अभी सारी ब्राउन है, इस पर हल्की हल्की लाली आ जाती है या येलो हो जाएगा फुल, या हो जाएगा ये फुल ब्राउन होगा और चमक में आ जाएगा, फुल शाइन में होगा और सिंगल कलर आपको वाजिया नुमाया होगा। क्योंकि बच्चा लें बड़ा लें, अमूमन साइज़ सबका एक जैसा ही होता है, 19-20 का फ़र्क आता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं इसमें आता। तो ये आप देख रहे हैं इसमें, ठीक है, ये इसकी दूसरी चौथी निशानी है। ठीक है, आप इन निशानियों को याद रखें, इंशाल्लाह मार्केट में किसी से भी लेने जाएंगे, मेरे पास भी आएंगे या किसी के पास भी जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको इजी होगा कोई बर्ड परचेज करने में, आपका सीज़न इंशाल्लाह बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि आजकल ब्रीडिंग सीज़न जा रहा है और हमारी भी कोशिश होती है, हर बंदे की कोशिश होती है कि यार जल्द ब्रीडर पेयर लें और इससे अच्छी ब्रीड ली जाए और हमारा भी फ़ायदा हो, क्योंकि हर बंदे की कोशिश होती है, किसी का शौक़ है बच्चे देखना, किसी का एज अ बिजनेस पर्पस उसने लेना होता है। तो चला पूरी ईमानदारी के साथ जो जो इसकी निशानी है वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा जो इसके मेल फीमेल की कंफर्म होता है वो होता है इसके जोड़ों से। ठीक है, यहाँ वेट वाली जगह नहीं है, यहाँ पर दो हड्डियाँ होती हैं, अगर वो तंग हो नोकदार हो तो वो मेल है, खुली हो या नरम हो बेशक तंग हो तो वो फीमेल होती है। ये परो वाला, ये जी इसके पर खोले, इसके ऊपर कील को घुमा के देखते हैं, ठीक है, इसे पर खोल के बैठ गया है, ये वाला और ही साफ हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, साथ लगी टल्ली को लाजमी दबाएँ। तो कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतरी करें वीडियो बनाने की, लेकिन अभी नए नए हैं तो चलता है थोड़ा बहुत, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ ज़रूर आ रही होगी। तो बड़े और छोटे में जो आपको फ़र्क बताया है इसको याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपको कोई भी हसारा नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़।